राजनैतिक विचारक मारिवा न्यूज। तिरुवितांकूर के दीवान सर सीपी रामस्वामी अय्यर भी मारिवा न्यूज को एक उत्तम राजनैतिक चिंतक मानते थे। मारिवा न्यूज पिता को वह आदर प्राप्त हुआ जो और किसी को प्राप्त नहीं हुआ था। सर सीपी ने कैथोलिक चर्च के महात्म्य के बारे में पार्लियामेंट में चर्चा की। उन्होंने मारिवा न्यूज के वजह से पाश्चात्य देशों में वैटिकन रेडियो में व अनेक अखबारों में इस विषय पर अपने विचारों का उल्लेखन किया। इस वजह से सर सीपी की चर्चा पूरे विश्व में हुई और इसमें मारिवा न्यूज का बहुत बड़ा हाथ है। मारिवा न्यूज पिता यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि के अपने पर्यटनों के बीच वहां के राजनैतिक नेताओं से भी मिले और उनसे काफी विषयों पर तर्क वितर्क किए और विचारों का आदान प्रदान भी किया। ब्रिटिश चक्रवर्ती जॉर्ज पांच, स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति मूर्तो, बेल्जियम के राजा एल्बर्ट, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमन, कनाडा के गवर्नर जनरल अलेक्जेंडर जैसे अनेक राष्ट्रीय नेताओं व पंडितों के साथ मारिवा न्यूज के काफी गहरे संबंध थे। कनाडा के भारतीयों को नागरिकता प्राप्त करवाने के लिए आर्चबिशप मारिवा न्यूज ने अपने प्रतिष्ठा का इस्तेमाल किया और इस कार्य में बहुत प्रयास किया। कई नेता अपने राजनैतिक मसलों में सलाह मशवरा मारिवा न्यूज से मिलकर या खतों के माध्यम से करते थे। मार्तोमा सभा के एक प्रमुख व्यक्ति थे श्री अब्राहम वकील। वे मारिवा न्यूज के बारे में कुछ इस प्रकार कहते हैं, अगर मारिवा न्यूज पिता का जन्म इंग्लैंड में हुआ होता वे जरूर वहां के प्रधानमंत्री बनते। इससे यह जाहिर होता है कि मारिवा न्यूज पिता की राजनैतिक विषयों पर अपार परिज्ञान थे। हम यह प्रार्थना करते हैं कि मारिवा न्यूज के मध्यस्थ से हम भारत भर में यीशु के सुसमाचार का प्रचलन कर सकें और इस कार्य में कोई रुकावट ना आए। आमीन।